आज भी उनको वहां पे अमन पसंद है। उस जगह कोई नहीं पहुंच सकता। तुम दोनों ने भी वहां पे जाके उनका अमन खराब करने की कोशिश की, उनके मकबरे को अलग करने की कोशिश की ना, कयामत आ जाएगी। ये अचानक शामियाने में क्यों गया? शुक्र है ये खास शमशीर महफूज है। खतरों के इस सफर में मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम शायद इसे ढूंढ रहे हो। एक बात बताओ कोतवाल, तुम्हें भी नायाब चीजें पसंद है ना? हम पेशे से कोतवाल हैं, हमें नायाब जादुई चीजों का क्या शौक होगा? शौक नहीं, शक। मुझे लगता है कोतवाल तुम्हें भी नायाब चीजों का शौक है। अभी मैं अपने सिक्के से पूछ लेता हूं। हनीफ मियां, इशारा मिल गया है। इसके पास कुछ तो खास है, कोई जादुई नायाब, कुछ तो ताकतवर है इसके पास, और आप वो मुझे चाहिए। क्या छुपा रहे कुतुल? अपना सिक्का उछाल कर खुद फैसला कर रहे हो कि हमारे पास कोई नायाब चीज है या नहीं, फिर अमी से पूछते हो? सिक्का देखकर नहीं, चेहरा देखकर बोल रहे हैं। जो तुम सच में हो ना, वो इस कोतवाल के लिबास में लग नहीं रहे हो। माजरा क्या है? रहने दीजिए आपा, मैं कर देती हूँ ये सब काम। अरे नहीं नहीं, वो मैं नहीं नहीं मत बोलिए, आपने हमें पनाह दी है, इसलिए अब से सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। बैठिए ना। और वैसे भी बच्चों और घर को संभालते संभालते थक जाती होंगी, बिल्कुल अकेली हैं आप। नहीं, इस घर में कोई अकेला नहीं है, हमारे साथ हमारे बाबा अली बाबर। चले गए लेकिन हम लोग उम्मीद में कि बाबा जरूर वापस आएंगे। वैसे कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे आपके अली बाबा? पता नहीं अली कब वापस आएगा, पर मैं दुआ करती हूँ कि अली जहां भी हो सही सलामत हो और जल्दी घर वापस आ जाए। वही तो अपना बचा है हमारा इस दुनिया में। आप मायूस मत होइए, हम है ना, हम ढूंढ कर लाएंगे अली बाबा को। आप लोगों के पास अली के बारे में कोई भी जानकारी हो ना, हमें बताइए। मुझे नहीं पता कि अली कहाँ है, हम तो बस एक उम्मीद में उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। भाभी, बाबा वापस आएंगे, वो जरूर वापस आएंगे। खुद को कमजोर मत समझिए, हम दोनों हैं आपके साथ। वैसे इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? हमारे दो किराएदार हैं, एक समीजान और दूसरे छोटे कोतवाल। छोटे कोतवाल? ये अली के दोस्त है क्या, जिसे अली आप सबके हिफाजत के लिए यहाँ छोड़कर गए हैं? नहीं, छोटे कोतवाल का कोई नाता नहीं है हमारे बाबा के साथ।
हमारे बाबा ऐसे वैसों से दोस्ती नहीं करते हैं। नफी, पोया, तुम लोग चुपचाप खाना खाओगे? आप सब खाना खाइए, हम बाहर का काम खत्म करके आते हैं। तुम दोनों अली के घर में दाखिल होने में कामयाब हो पाए हो या नहीं? हाँ मलिका, हम अली के घर दाखिल हो गए। क्या है उस अली बाबा का सच? जल्द से जल्द तुम लोगों को उसी घर में रहकर पता लगाना होगा। हम सच जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मलिका। शाबाश, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब जल्द से जल्द पता लगाओ क्या है अली का सच, क्या वाकई जिंदा है और क्या नौता है उसका कोतवाल के साथ। आप फिक्र मत कीजिए मलिका, ये लोग जल्द से जल्द सच बता देंगे। और अगर नहीं बताएंगे तो हम उगलवा लेंगे। शाबाश। मेरे आका, मकबरा यहां से एकदम सीधे सीधे चल के आता है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन रास्ता तो सही है, पर वक्त आपका मुझे कुछ खराब लग रहा है। ख्याल रखिएगा मेरे आका। ख्याल? अब मुझे तलिस्मान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, ना कोई इंसान और ना कोई तूफान। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहां अपना जादू इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराऊंगी। ये तूफान नहीं है, क्या है ये? ये क्या है जो हमारी तरफ इतनी तेजी से आ रहा है? ये मिस्र की चमकती रूहें हैं, ये लोगों की रूह को कैद रखने के लिए जारी जाती है। इन्हें इल्म हो गया कि हम यहाँ हैं, अब ये हमारी रूह को भी कैद कर लेगी। शैतान की रूह को कैद करने की ताकत किसी में नहीं है, ये मुझे नहीं रोक पाएंगे। आज मैं तलिस्मान हासिल करके ही रहूंगी। क्या जादू इन्हें आप छिपा कर लेकर जा रहा है? शमशीर, ये
ये हनीफ मेरी शमशीर चुराने की कोशिश कर रहा है। पहले कि समय जाने शमशीर को देख ले, मुझे इसे छुपा देना चाहिए। जो नहीं होता है दिनारी से वो हनीफ करता है समझदारी से। अब जाकर उन्हीं दिनारियों से अपनी समझदारी का इलाज कराना हनीफ मिया। तुम्हें क्या लगा था कि मेरी शमशीर को छू सकते हो? मेरी शमशीर को मेरे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तौबा तौबा कोतवाल जी, हनीफ कहाँ है? गया होगा उन रूहों को अपनी अक्ल बेचने। मौका देखकर डर के भाग गया डरपोक। चलो सिमरजान, हमें 3 मकबरों वाली मीनार तक पहुंचना है। यहाँ से कितनी दूर है 3 मकबरों वाली मीनार? हिम्मत मत हारिए मेरे आका, चलते रहने से ही मंजिल मिलती है। उस घाटी के पीछे है वो मीनार। शमशीर से मुझे इतना जोर का झटका लगा, असल में ये कोतवाल है कौन? इतनी खतरनाक शमशीर लेके कहां जा रहा है? सही कहा सिमत ने, हमें चलते रहना चाहिए तभी मंजिल मिलेगी। हमें आगे चलना चाहिए सिमीजान, इससे पहले कि यहां पर कोई और खतरा दस्तक दे दे। तुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा सिमसिम कि मैं तुझे मिस्र की उस पाक जगह पर कैद करने ले जा रहा हूँ। बस तू एक बार वहाँ कैद हो जाए, फिर तू खुद ही मुझे मर्जीना का पता बताएगी। हैदा, ये तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े, जो पसंद है वो ले लो। हमारे बाबा अली बाबा का है, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गए हैं वो? कब तक वापस आएंगे? कुछ पता कर गए हैं क्या? कहाँ गए हैं? कब तक वापस आएंगे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। और वो एक दिन बहुत जल्दी आएगा। मुझसे पोया और नफी की तकलीफें अब और नहीं देखी जा रही। क्या मैं उन्हें सच बता दूं कि छोटे कोतवाली हमारे बाबा हैं? बाबा यही है, बाबा यही है, बाबा यही है। बाबा यही है, इसका मतलब मलिका सिमसिम का शक सही था, अली बाबा जिंदा है। रुकिए मेरे आका, मीनार की ओर जाने के लिए अब आपको बाएं मुड़ना होगा। यहां तो कुछ भी नहीं है, कोई मकबरा ना ही कोई मीनार। तुम्हें पूरा यकीन है कि हम सही जगह पर आए हैं? गलती इंसानों से होती है मेरे आका, दिशाओं से नहीं। अगर ये सही है तो कहाँ है मीनार, कहाँ है मकबरा? कोतवाल जी, कहीं आप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्योंकि अगर ये सही जगह है तो कहाँ है मिस्र की सल्तनत, जहाँ वो 2 राजा और 1 रानी का मकबरा है? कोतवाल जी,
किस बिना पर आप दोनों मुझे यहाँ लेकर आए? हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, तुम खुद चल के आई हो यहाँ पर, क्योंकि ये सिम सिर्फ हमें रास्ता बता सकता है। हम यहाँ पर हर तकलीफ का हल ढूंढ रहे हैं और तुम्हें इधर उधर चीखने चिल्लाने से फुर्सत नहीं। और अब तो तुमने हद भी पार कर दी, शक कर रही हो हम पर, एक कोतवाल पर शक। हम तुम्हें यहाँ पर सैर कराने लेकर नहीं आए हैं, जैसे ये सिम हमें बता रहा है हम वैसे ही जा रहे हैं, और अभी ये सिम हमें यहाँ पर लेकर आया है इसलिए हम भी यहाँ हैं। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, बिना कोतवाल के मैं तलस्मान नहीं ढूंढ पाऊंगी, लेकिन मुझे इससे चौकन्ना रहना होगा। ये मेरे खिलाफ सच में कोई भी चाल चल सकता है। तौबा तौबा कोतवाल जी, गुस्ताखी हो गई मुझसे। वो क्या है ना, सही जगह मिल नहीं रही है ना, इसलिए बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। हम तुम्हारी बेचैनी समझते हैं समीजा, और तलिस्मान को अपने हाथों में पकड़ने के लिए कितनी बेताब हो, क्योंकि जब तक तलिस्मान नहीं मिलेगा तब तक सिमसिम की गुफा नहीं मिलेगी। सिमसिम की गुफा नहीं मिलेगी तो हमें खजाना नहीं मिलेगा, और खजाना नहीं मिलेगा तो हम उसे आधा आधा बांटेंगे कैसे, क्योंकि हमने तुमसे वादा किया है। तो अब हम अपना वादा निभाएंगे, और तुम हम पर शक करने की बजाय अगर मिस्र की घाटी ढूंढने में हमारी मदद करोगी तो बेहतर होगा। इस सिमत ने कहा है कि मिस्र की दुनिया यही है, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, तो अब तुम हमारी सुराग ढूंढने में मदद करो। जी, अब चले। मुझे मालूम है सिमसिम की तू तलिस्मान पाने के लिए बेताब है, तेरी यही बेताबी तुझे ऐसी जगह लेकर जा रही है जहां कैद होने के बाद तेरा वहां से निकलना नामुमकिन है। बाबा यही है? कहाँ है आपके बाबा? बाबा यही है हमारे साथ, वो हमसे कहीं दूर नहीं गए, वो हमारे पास ही है। काम पर तो ध्यान रहता नहीं है तुम्हारा, हमारे नाश्ते में पुदीने की पत्तियों की जगह परीले की पत्ती मिला दी। माना कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए कहते हैं शक्ल पर मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, समझे? अब समझ आया, बाबा पुदीना और परीले की पत्तियों का फर्क समझाकर आसपास के ना दिखने वाले खतरों से होशियार कर रहे थे। मुझे किसी को भी बाबा की सच्चाई नहीं बतानी चाहिए अभी। जानना चाहती है आपके बाबा कहाँ है? हमारे बाबा यहाँ है, हमारे बाबा हमारे दिल में है, हमारी बातों में है, हमारी सांसों में, हमारी आदतों में है। और याद रहे, हमारे बाबा हमारे पास है। ये इंसान हमेशा जज्बाती बातें करते हैं, इसकी बातों से कुछ समझ नहीं आया कि अली जिंदा है या मर गया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अली के बारे में बताते वक्त अलीफी बीच में चुप क्यों हो गए थे, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही है। जब तुम तीन मकबरों के मीनार पहुंचोगे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तब वहां तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे आका, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गलती इंसानों से होती है, दिशाओं से नहीं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मिस्र की सल्तनत में वो तीनों मकबरों वाली मीनारें तभी दिखाई देती हैं जब सूरज अपने चरम पर हो।
जब सूरज की तेज रोशनी एक कीमती नगीने को पार करके जमीन पर पड़ती है तो यहाँ वो भी दिखने लगता है जो खुली आंखों से नहीं दिखता। मेरे आका, मैंने आपको दिशा दिखा दी, अब मैं चला। हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आखिर वो मुकाम आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, मर्जीना को कैद से आजाद कराना और इस सिमसिम को कैद करना।